इस तरफ भाई, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ आइए, इधर आइए, इधर से भाई जी, अंदर जी आइए, चलो बैटिंग करते हुए वाइड है, वाइड बॉल का इशारा नहीं है, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। अरे भैया अब करेंगे दूसरी बॉल का सामना करने की और अनु भैया को अनु भैया भी निदेशक श्री दिवाकर मिश्र जी भैया एशियाई के वर्तमान अध्यक्ष हमारे बॉलिंग करते हुए काफी अच्छा ये दृश्य होने जा रहा है। एशियाई के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अरे दच्छू जी बैटिंग करी है क्या कर रहे हैं दच्छू जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्याम जी सागन सिटी का प्रेसिडेंट जैसी राम जी अग्रहरी आज बसंती देवी आईटीआई के प्रांगण में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित है और क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का हमारा मेन मकसद स्वच्छता के ऊपर है और जैसा कि भारत सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये क्रिकेट टूर्नामेंट बसंती देवी आईटीआई के प्रांगण में कराया जा रहा है और हमारे तरफ से यही सोच है कि क्रिकेट के साथ साथ हमें स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए जैसा कि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही हैं और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों से अनुरोध है कि क्रिकेट के साथ साथ हमें स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए और हमारी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आज 6 फरवरी 2019 बसंती देवी आईटीआई संस्थान में क्रिकेट का जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है उसमें मैं शिरकत किया और मैं छात्रों को और ख़ास तौर से मैं बसंती देवी के प्रिंसिपल यहाँ के तमाम अध्यापकगण का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खिलाड़ियों के उत्साह करने के लिए खेल का भी आयोजन करते रहते हैं। खेल बहरहाल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही आवश्यक है
खेल बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि खेल खेल के लिए अपने फन को उजागर करने के लिए खेलना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है। जो अच्छे फन का मजारा करता है, जो टीम अच्छा फन रखती है वो विजयी होती है। दूसरी बात ये कि खेल कूद से एक दूसरा जो फायदा मिलता है, जैसे बहुत से लोग हैं कहीं बहुत विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कभी हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मनोबल उनका गिर जाता है, लेकिन खेल से एक फायदा ये होता है कि कभी वो हारते हैं कभी जीतते हैं, तो ऐसे में वो हार जीत से उनका एक तरह से समान रूप से वो देखते रहते हैं, उनके अंदर उतना उत्साह और वो नहीं रहता। तीसरी बात ये होती है खेल कूद से कि आपसी सद्भाव आपसी जो है मेल मिलाप बढ़ता रहता है। आज भारत में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी या इस तरह से और लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि आपसी एकता कायम रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेला जाए। थैंक यू। पांचवा ओवर है, राइट हैंड ओवर द विकेट। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी यहाँ उपस्थित है, मैं चाहूंगा आप सभी लोग उनका तालियों की गणना के साथ उनका स्वागत करें। इसी क्रम में संस्था के उपाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद अग्रहारी जी भी यहाँ उपस्थित है। जब भी मेन मेन मौके हमारे विद्यालय में होते हैं आप अपनी उपस्थिति जरूर देते हैं। इसी क्रम में हमारे मध्य सहगण जेसीआई शक्ति की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रुचि मिश्रा जी यहाँ उपस्थित है, मैं चाहूंगा तालियों की गणना के साथ उनका भी स्वागत करें। और
संस्था के निदेशक श्री दिवाकर मिश्र जी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा तालियों के बजाय साथ उनका भी स्वागत करें। ये वार्षिक खेल कूद का प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष हमारे बसंती देवी आईटीआई में मनाया जाता है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं चाहूंगा संस्था के प्रबंधक श्री डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य मिल जाएगा बनाने के लिए। भगवान पुण्य होता है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। हिंदुस्तान का हमारा ऐसा देश है जहाँ के अतिथि को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज आप हमारे बीच उपस्थित है हम लोगों के लिए ये काफी गौरव का विषय है। माल्यार्पण के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संस्था के निदेशक दिवाकर मिश्र जी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर तारिक सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। ये सामने हमारे संस्था का सम्मान करेंगे। काफी टैलेंट है इस छात्र में, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो चाहे हुआ है। बहुत ही मेहनती छात्र है, काफी होनहार छात्र। मैं चाहूंगा जो है हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विक्की यादव जी इस छात्र को जो है अवार्ड दे के इसका हौसला अफजाई करें। बहुत ही अच्छा छात्र है, काफी मेहनती छात्र है। उपाध्यक्ष संस्था के उपाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद अग्रहारी जी और हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद कर लें, पहना के इनका सम्मान करें। कार्तिकेय यादव जो है छात्र का जो है सिल्वर मेडल पहना के इन छात्र को सम्मानित करें। काफी होनहार छात्र है कार्तिकेय यादव। छात्र को जो है सिल्वर मेडल सामने यहाँ 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 सामने पंकज यादव, पंकज यादव आ जाए। मैं चाहूंगा कि श्रीमती संगीता जायसवाल जी हमारे होनहार छात्र को जो है सिल्वर मेडल पहना के छात्र की हौसला अफजाई करें और गौरवान्वित होने का मौका दें। विवेक यादव क्या करूंगा इस छात्र को जो है सिल्वर मेडल पहना के इस छात्र की हौसला अफजाई करें। बहुत ही गौरव के पल है। हौसला अफजाई करें। जो वॉलीबॉल में थे अभिषेक तिवारी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपने किया। इस कैप्टन को मैं चाहूंगा कि हमारे आज यहाँ पर उपस्थित जेसीआई सागर सिटी के पूर्व जोन ऑफिसर दीपक जायसवाल जी यहाँ पे आए और हमारे छात्र को जो है गोल्ड मेडल पहना के उससे नहीं मतलब है गोल्ड मेडल पहना के छात्र का जो है हौसला अफजाई करें। जैसे कि दीपक भैया ना लेट आते हैं। रोहित का मौका आता है कि सामने छात्र को गोल्ड मेडल मिले। एक और मेडल आपके नाम लिखा गया है। आशीष जैसा
आशीष जायसवाल जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं चाहूंगा इस छात्र को जो है गोल्ड मेडल प्रदान कर इस छात्र की हौसला अफजाई करें। पदाधिकारी जेसीआई सागर इधर देखिए गोल्ड हार टेस्ट दर्रार सदस्य पहना के इस छात्र की हौसला अफजाई करें। गोल्ड मेडल प्रदान कर इस छात्र का जो है सम्मान करें। गोल्ड मेडल प्रदान कर इसका जो है हौसला अफजाई करें। वॉलीबॉल उप विजेता में ये छात्र जो है काफी अच्छा योगदान दिया। प्रिंस सिंह राहुल कुमार छात्र की हौसला अफजाई करें। सत्यम मेडल प्रदान करें। चंदन आ जाए अभिषेक तिवारी चंदन। मैं चाहूंगा राज जी सिल्वर गोल्ड मेडल प्रदान करें छात्र को चंदन। अभिषेक तिवारी आ जाए अभिषेक। अंगद संदीप प्रजापति आ जाए। सामने देखो भाई अच्छा कमेंट्री का आपने प्रदर्शन किया लाजवाब आवाज में बहुत ही अच्छा। हम सभी को आपने हर साल प्रभावित किया। सामूहिक रूप से स्लो साइकिल को विजेता का इनाम देंगे। लेकिन देश के आयोजन का बस यही हमारा मोटो था कि हम आपको इस बात के लिए प्रेरित कर पाए कि आप लोग जो है सड़क पर रैश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि स्वस्थ रखें स्वच्छ रखें तो इससे जो है हमारा देश आगे तरक्की के रास्ते पे चलेगा। धन्यवाद। हमारी सागन जेसीआई शक्ति की टीम की तरफ से स्पेशल पुरस्कार पाते हुए और विजेता छात्र जो है उनको हम यहाँ बुलाना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे विद्यालय के प्रबंधक और हमारी आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि से कि संयुक्त रूप से उनको जो है पुरस्कार देकर सम्मानित करें। छात्र के मन में हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसमें माननीय लोगों के द्वारा जो है ये इनाम मिल रहा है। अभी एक इनाम और हमारे तरफ से भी संस्था की तरफ से है, एक मेडल आपके नाम रखा हुआ है। मैं आमंत्रित चाहूंगा स्लो साइकिल कार्य कर रहे हैं उसमें से जो लेडीज का चैप्टर है जेसीआई सागर शक्ति पिछले वर्ष मेरा कार्यकाल था तो उसमें संस्था की ओर से जो गरीब छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति की भी योजना है। यहाँ से भी कई बच्चों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भर के भेजा था तो हमारी संस्था के माध्यम से शाहगंज में टोटल 3 बच्चों का जो है छात्रवृत्ति 2000 रुपए की एक मुश्त छात्रवृत्ति का चेक आया है जिसमें से एक छात्रा यहाँ बसंती देवी आईटीआई की छात्रा थी और आज वो आपके बीच में उपस्थित है। हम अपना ये संदेश आपको देना चाहेंगे कि अगर आपके भी जान पहचान में कोई भी बहुत ही गरीब हो जो पढ़ाई लिखाई में अपना सपोर्ट नहीं परिवार वाले कर पा रहे हो तो अगर आप ऐसे किसी बच्चे का नाम देते हैं तो हम लोग अपनी संस्था में जरूर उसको रिकमेंड करके भेजेंगे और हो सकता है कि संस्था की तरफ से उसके लिए मदद भी हो सके। तो हम मंसू यादव से अनुरोध करेंगे कि आए और संस्था की तरफ से जो चेक आया है छात्रवृत्ति का उसको स्वीकार करें। संस्था की तरफ से भी एक मेडल है और हम आपको आगे के जीवन में बहुत ही बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही तरक्की के रास्तों पर चलते रहिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर दीपांजु यादव
दीपांजु यादव यहाँ है, लगभग 25 किलोमीटर की अप डाउन करता है ये छात्र और ईयर के लिए। अभी लोग खड़े काफी मेहनती दीपांजु यादव फोटो जा रहे हैं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। बहुत ही मेहनती छात्र है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया है, अवार्ड होता है ये हमारे आला कमान से डिसाइड होता है कि कौन सा टीचर चुना जाएगा। तो बहुत ही मेहनती टीचर है, विद्यालय के सभी कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, कोई भी काम हो कभी भी ना नहीं करते हैं और फील्ड में काफी वर्क करते हैं। ऐसे हमारे श्री होगा 2.5 किलो का आग, तो इनका एक हाथ 4.25 किलो का जरूर होगा। मैं श्री विकास यादव जी चाहूंगा कि जोरदार तालियां। टीचर ऑफ द ईयर विजेता कार्तिक यादव, ग्राम खतौलिया निवासी खतौलिया। भैया आइए, विजेता टीम जो है विजेता टीम है भाई, की ट्रॉफी पाते हुए विजेता टीम भैया अभी आइए और थोड़ा पीछे कीजिए। अरे इधर पीछे हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बड़े बाबू जी अभी आ जाइए, विजेता टीम है उधर 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 उधर। विजेता टीम आपने भी मेहनत लगाया ना, ग्रुप से सभी हमारे अतिथि गणों से प्राइज पाते हुए हो गया। आप ही यहाँ दिख ही रहे हैं बस, हाँ आप ही दिख ही रहे हैं। लगता है कि ये पूरा जो है पूर्वांचल का एरिया कल छा जाएगा फेसबुक पे, कितने शेयर होंगे ये सारे इमेज। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया मैं प्राप्त करते हुए अनुराग यादव के माध्यम से तीन छात्रों की छात्रवृत्ति आई थी। एक जो जेसी सचिन वर्मा जी का संस्थान है आदर्श शिक्षा संस्थान वहाँ के लिए, एक बसंती देवी आईटीआई और एक होनहार बालक तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन बालक के पिता यहाँ मौजूद है हमारे दीपक सिंह जी है, इनके बेटे के लिए भी जो छात्रवृत्ति आई थी इनका डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है मेडल मेरी तरफ से। इसी क्रम में स्वागत करता हूं और दोनों जो टीमें अभी फील्ड में मुझे दिखाई दी बहुत बढ़िया खेल भावना का परिचय देते हुए बहुत बढ़िया क्रिकेट आप लोगों ने प्रस्तुत किया। मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सबके आयोजनों में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रिय साथियों यहां देखने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का युवा कम से कम भारतीय क्रिकेट टीम में भी नजर आए, यह हमारी हृदय से आप सबको शुभकामना है। मित्रों मैं भी आपकी तरह अभी छात्र भी हूं और राजनीति में भी, मुझे लगता है कि आप सारे के सारे लोग जो यहां उपस्थित छात्र नौजवान हैं, मेरे जैसे ही परिवारों से आप लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से ही आप सभी आते हैं। मित्रों आप गौर करिए जिस तरीके से आज के दौर में मध्यम वर्गीय परिवार में रह करके किसी किले को फतह करना जितनी कठिनाई का काम है, लेकिन हम युवाओं ने उस चीज को बदला है। हमें लगता है कि हमारे मेहनत हमारे परिश्रम से हर चीज संभव है। साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि जब मामला पैसे और परिश्रम का आए तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि पैसे पर आपका परिश्रम हमेशा भारी पड़े, हमेशा भारी पड़े। और इसको मैंने भी करके दिखाया है, हमारे पिताजी के तमाम मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यालय परिवार के लोग हैं, आप सब जानते हैं। साथियों बड़ी मेहनत से बड़े परिश्रम से हमारे अभिभावक हमको हमारे भविष्य की तरफ भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो नौजवान पीढ़ी है निश्चित तौर पर आज के इस वैज्ञानिक युग में भी भटकाव महसूस कर रही है। तो साथियों निवेदन करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है 21वीं शताब्दी का भारत, आधुनिक भारत, और हमारी भी चाहत है वन नेशन इक्वल एजुकेशन की। साथियों इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है, वन
नेशन एंड इक्वल एजुकेशन की बात लेकर के हम आगे चले तो बेहतर होगा। 21वीं सदी का भारत तब बनेगा जब इसी संस्थान में पढ़ने वाले आप जैसे साथी इंजीनियर IITian बनकर निकलेंगे देश में, तब बनेगा। और उम्मीद करता हूं आप जिस क्षेत्र में आपका करियर बने बहुत उज्जवल हो, शून्य से शिखर तक आप पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा कहीं पर भी किसी भी दशा में समाज के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, बढ़ चढ़ करके आप मेरे साथ खड़े हो साथियों, इस बात का निवेदन करता हूं। नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शाहगंज विधानसभा अथवा शाहगंज जनपद जौनपुर जनपद से रहने वाले लोग हैं, आपको याद होगा आपके बचपन में शाहगंज चीनी मिल चला करती थी और हमारे आपके गरीब परिवारों में 2 बीघे 1 बीघे गन्ना लगाया जाता तो हर वर्ष कम से कम 40,000-50,000 की इनकम होती थी, जिससे हमारे माँ बाप एक भविष्य देखते थे, ये कमरा बनवा लेंगे, बेटी की शादी कर देंगे या अदर कुछ भी। लेकिन आज देखिए, हमारे नेताओं की नाकामयाबी के चलते हमारी शाहगंज चीनी मिल नीलाम हो जाती है और इस जिले के 9 विधायक मूक बधिर बने बैठे रहते हैं, विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठती। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे जुड़ेंगे तो पाएंगे विक्की यादव विधायक, भावी विधायक शाहगंज नाम से है, या विक्की भैया डालिएगा तो भी फेसबुक पे आप पाएंगे, विक्की यादव विवेक डालेंगे तो भी फेसबुक पे पाएंगे आप। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूं, याद रखिए। इस क्रांतिकारी आंदोलन में शाहगंज को जिला बनाने संबंधी और शाहगंज चीनी मिल की पुनर्स्थापना की लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं साथियों, मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ समाज के निर्माण का जिम्मा भी आप नौजवानों के कंधे पर है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो दर्द है, ये जो पीर है, इसके संदर्भ में कहना चाहते हैं कि पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए फिर हिमालय से कोई गंगा, अब निकलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही नौजवानों तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जलाइए अपने अंदर मेरे नौजवान साथियों। आप गौर करिए, कोई भी नेता बनकर आपके ओर से जाता है लेकिन आपसे इतनी दूरी हो जाती है कि उसके गनर आपको उसके पास तक पहुंचने नहीं देते हैं, आप अपनी बात उनसे कह नहीं सकते हैं। क्या इसीलिए आप नेता चुनते हैं? नहीं, मैं इस चीज को परिवर्तन करने आया हूं। मैं चाहता हूं राजनीति की उस विरासत की उस गाथा को लिखूं जिसमें आम आदमी भी मेरे पास आ सके, और मैं इस जैसी माँ को बार बार चरण स्पर्श करता हूं, नमन करता हूं, जिसने इस बेटी जैसे एक सिंहनी को जन्म दिया, जिसने आज हमारे समाज में महिलाओं का मान सम्मान आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। मैं इस बहन को भी प्रणाम करता हूं। और नौजवान साथियों, आपसे भी निवेदन करता हूं, जब भी अवसर मिले इस देश के भविष्य के निर्माण में तन मन धन तीनों से बेखौफ होकर के जातिवाद संप्रदायवाद पाखंडवाद से अलग होकर के एक नए भारत की नींव रखने के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। मैं घोषणा करता हूं यहां विजेता और उप विजेता टीम के दोनों कप्तानों को, दोनों टीमों को मेरी तरफ से प्रत्येक, चाहे वो विजेता हो चाहे उप विजेता हो, प्रत्येक खिलाड़ी को मेरी तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार मैं आदरणीय प्रबंध ग्रुप के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद साथी। पढ़ेंगे तो दोनों आ जाएं। प्रशासनिक समस्याएं आपके सामने खड़ी होती हैं, मैं निवेदन करता हूँ ये फोन मुझे जरूर करिएगा। 94-53-44-20-20 बड़ा साधारण सा नंबर है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के 3 साल तक के बच्चे। आज इस विद्यालय प्रांगण में जो बसंती देवी प्राइवेट औद्योगिक संस्थान है, जहां मुझे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का अवसर मिला, मैं हृदय से आभारी हूं विद्यालय परिवार का। इस विद्यालय के उस आयोजन जो युवाओं के सर्वांगीण विकास में भागीदार होता है, जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, तमाम और प्रतियोगी खेल कूद कार्यक्रम किए गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सराहनीय रहा। और बेहद विस्तृत तौर पर युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह संस्थान बिल्कुल प्रभावी है और सदैव निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। विद्यालय में आकर बहुत बढ़िया महसूस हुआ, ऐसा लगा कि इस क्षेत्र का अविरल विद्यालय है यह प्राइवेट औद्योगिक संस्थान बसंती देवी। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय हमारे क्षेत्र के नौजवानों के अंदर एक बुनियादी इस देश के विकास के लिए युवा पैदा करे, जमीन तैयार करे और उस दिशा में विद्यालय परिवार बिल्कुल
शुचिता के साथ बढ़ रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे संज्ञान में, हमारी उपस्थिति में शाहगंज जेसी की शक्ति संस्था भी शामिल रही और तमाम बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया संस्था द्वारा। मैं हृदय से आभारी हूँ संस्था का और इस विद्यालय परिवार की तरफ से। कुछ समस्याएं मुझे अवगत कराई गई हैं क्षेत्र के विकास के लिए, जो संबंधित अधिकारियों तक मैं उस बात को लेटर पैड द्वारा पहुंचाऊंगा। समय से उन समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास करूंगा ताकि छात्रों, युवाओं और विद्यालय परिवार जिस तरीके से हमारे क्षेत्र का विकास कर रहा है शिक्षा के माध्यम से, वो निरंतर चलता।